I am Hrushikesh Brahma from Hantragadia Nodal High School and my class is 9. Now I discuss about a project. The project was named How We Produce Electricity and Biogas from Organic Waste. बर्तमानर दैनंदिन जीवन रे आमर विभिन्न प्रकार जैविक आवर्जना बाहर उदाहरण स्वरूप कटा घास गच्छर पत्र एवं पचा पनीपरिया इत्यादि एहा द्वारा आम परिवेश दूषित होगा सहित आमर वायु दूषित वर्तमान यार प्रश्न उठू जे आमे आगु किपरी पुनः व्यवहार करिबा वर्तमान मु एही विषय रे ए प्रोजेक्ट रे वर्णना करिया को जाउ छी। आमे समस्त जानु जे जैविक आवर्जना गुड़िक अणुजीवाणु मानक द्वारा विघटित होइथाय तेणु आमे गोटे टांकी रखिजु जोंथिरे आमे सबु ऑर्गेनिक वेस्ट गुड़ी को आनी रखिबा जहाँ द्वारा एठरे तार कंपोस्ट हेबो एवं या कंपोस्ट होई सारिबा पोरे बायोगैस टैंक को जीवो जों थिरे बायोगैस टैंक रे एथिरु जैविक गैस बाहरिबो जैविक गैस बाहरिबा पोरे या को आमे कंप्रेसर टैंक को आनिबा जहाँ द्वारा कंप्रेसर टैंक रे वायु गुड़िक कंप्रेस हो एलपीजी गैस टांकी रे भर्ती होगा। यही एलपीजी गैस टांकी को आमे दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करूथिबा दैनंदिन जीवन रे आमे रोसई रे व्यवहार करि पइबा एवं यही जैविक गैस को मध्ये आमे अनेक उपाय व्यवहार करि पइबा जहा कि होची विद्युत। विद्युत आमर बहुत मूल्यवान जिनिष जहा द्वारा मनुष्य गोटे समय मध्य बंची पार ना तेणु ये जैविक गैस को आम व्यवहार कर इलेक्ट्रिकपरि व्यवहार कर जैविक गैस द्वारा आम टर्बाइन को घूरवा ये टर्बाइन रु गैस जेनरेटर को जीवो जेनरेटर को जीवापर सेठे जेनरेटर घूरवापर इलेक्ट्रिक सृष्टि हम इलेक्ट्रिक सृष्टि होगापर आम सहर से स्ट्रीट लाइट घर घर व्यवहार होता विद्युत आम यहाँ व्यवहार करपर भाव जदि आम जैविक आवर्जना गुड़िकर सदुपयोग तेब आमर वायु प्रदूषण एवं परिवेश प्रदूषण होना तेणु यह हूँ यही प्रोजेक्टर विशेषत्व। थैंक यू सो मच ऋषिकेश अबाउट एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट।